दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं दिल्ली के एक हेरिटेज सेंटर कुतुब मीनार में। आप देख ही सकते हैं कि हम कुतुब मीनार में एंट्री कर चुके हैं। एंट्री कैसे करनी है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि कुतुब मीनार के बारे में मैंने आज तक सिर्फ सुना था और पढ़ा था हिस्ट्री में, लेकिन यहाँ आने का कभी मौका नहीं मिला था। तो आज हम यहाँ से निकल रहे थे तो मेरा ध्यान गया मेट्रो से कि सामने कुतुब मीनार है, तो हम उतर गए वहीं पे और हम आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि मुझे यहाँ पे पहले ही आ जाना चाहिए था। वहाँ जाने के बाद कुतुब मीनार को देखने से मुझे ये पता चला कि वहाँ पे ना सिर्फ कुतुब मीनार की ही बिल्डिंग खड़ी है, बाकी सब कुछ खंडर हो चुका है। आज हम आए हैं कुतुब मीनार दिल्ली में। मैंने कभी कुतुब मीनार नहीं देखा था। आज हम यहाँ से निकल रहे थे, मेट्रो से देखा तो हमने डिसाइड किया कि चलो यहीं उतरते हैं, आज कुतुब मीनार घूमते हैं। तो हम आ गए मेट्रो स्टेशन से उतर के, 20 रुपये सवारी ऑटो से हम यहाँ पहुँचे। उसके बाद हमने टिकट लिया जो कि 40 रुपये का है, और टिकट कैसा है मैं दिखाती हूँ। जो कि यहाँ पे जमा नहीं करना पड़ा, और इसके अंदर आई थिंक एक छोटे से चिप नहीं है, ऐसा ही है। ये 40 रुपये का टोकन है जिसको लेके हम अंदर आए हैं, और इसको कहीं जमा नहीं करना हुआ। आई थिंक हमें जाते टाइम वापस इसको सबमिट करना होगा। अंदर आप बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन ही रहे हो, कितना अच्छा आ रहा है, चिड़ियाएँ कितने अच्छे से शोर मचा रही हैं, क्योंकि ये शाम का समय है, सनसेट जस्ट होने वाला है। और कुतुब मीनार देखने में बहुत खूबसूरत है। मैं तो पहली बार आई हूँ, जितना मैंने इसके बारे में अब तक पढ़ा था सुना था कि उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ आने का एहसास अलग ही है। और आप देखो यहाँ मैं जस्ट कुतुब मीनार के जस्ट नीचे खड़ी हूँ, और मैं अगर ऊपर देखूँ तो मुझे इसका टॉप नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पत्थर पर नक्काशी देखने लायक है। यहाँ के आसपास के कुछ किले हैं जो कि अब खंडर बन चुके हैं, तो चलो देखते हैं। अब मैं आपको कुतुब मीनार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। दिल्ली के सबसे पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में इसको बनवाना शुरू किया था, लेकिन इसका आधार ही बन पाया था। उसके बाद उन्हीं के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिल और बनाई। सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया है, जिस पर कुरान की आयतें और फूल बेले की महीन नक्काशी की गई है। कुतुब मीनार लाल और बफ सैंड स्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। 13वीं शताब्दी में निर्मित यह भव्य मीनार राजधानी दिल्ली में खड़ी है। इसका व्यास आधार पर 14.32 मीटर और 72.5 मीटर की ऊंचाई पर शीर्ष के पास लगभग 2.75 मीटर है। चलो ये तो हो गई इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। अब मैं आपको बताती हूँ मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। यहाँ का काम देख के मुझे एक मिनट के लिए ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर मुग़ल काल में वापस जाएं, जिस टाइम यहाँ पे सब कुछ भरा पूरा होगा, रौनक होगी, रंगत होगी, तो क्या सीन होगा। आज भी इनकी खूबसूरती को मना नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं कि ये गेट कितना बड़ा है, और इन पत्थरों पर जो नक्काशी की गई है ये कम से कम 3 इंच
अंदर तक है और उसमें कोई भी जोड़ नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे लोह स्तंभ कहते हैं और कहा जाता है कि इस लोह स्तंभ में कभी जंग नहीं लगती। पता नहीं इसमें कौन सी धातु मिलाई गई है कि लोहे का होते हुए भी इसमें आज तक कभी जंग लगी नहीं है और ना ही लगने वाली है। ये जो आपको चारों तरफ दिख रहे हैं ना, ये उस वक्त मार्केट रहा करती होगी। क्या रंगत रहती होगी यहाँ पे, इतनी बड़ी मीनार, आसपास मार्केट, एक लौह स्तंभ, मस्जिद। और ये आप जो नक्काशी देख रहे हैं, इससे एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ की नक्काशी करने में सिर्फ मुग़ल या मुस्लिम कारीगर ही नहीं, अभी तो हिंदू कारीगर भी होंगे, तभी उन्होंने ऐसे घंटी जैसा डिज़ाइन बनाया हुआ है। इधर से उधर जाने के लिए शायद यहाँ नीचे पहले कोई नहर बहा करती होगी, तो यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने पुल बनाए हुए हैं। चारों तरफ देखने से साफ पता चल रहा है कि चाहे जितनी भी मजबूती से बनाए हों, लेकिन समय की मार ने इस अच्छी खासी जगह को खंडर में परिवर्तित कर दिया है। सिर्फ एक कुतुब मीनार ही है जिसका समय आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, अन्यथा आसपास की सभी जगह यहाँ पे खंडर हो चुकी हैं। और ये देखिए, ये बने हुए हैं यहाँ पे बिल्डर जो अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पहली बार गई थी, वो भी सडनली, अनप्लान्ड, क्योंकि प्लान करके ऐसी जगहों पे जाया ही नहीं जाता। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि यहाँ पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ अंदर इवन खाना ले जाने भी अलाउ है, कुछ फैमिलीज, इवन मोस्टली वहाँ पे फैमिलीज आई हुई थी। इतने प्यारे गार्डन हैं, इतनी अच्छी गार्डनिंग की गई है, फ्लावर्स हैं, और जो वहाँ की ग्रास है ना, बिल्कुल कारपेट जैसी है। देखने में, वहाँ पे बैठने में, फैलने में बहुत मज़ा आ रहा था। हम गए थे अगस्त में, उस वक्त मौसम थोड़ा सा गर्म था। हवेवर हम शाम को पहुँचे थे, सनसेट होने ही वाला था, लेकिन तो भी थोड़ी सी गर्मी लग रही थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे सर्दियों में पिकनिक पे जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आपको देखने के लिए, सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिलेगा ही, साथ में आपको वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको भी खेलने के लिए अच्छे बड़े बड़े मैदान मिल जाएंगे। वहाँ पे ना छोटे छोटे पेड़ हैं और जो फूलों से भरे हुए हैं, इतना खूबसूरत लग रहा था। मैंने तो वहाँ पे बहुत सारी सेल्फी खिंचाई और रील्स भी बनाई। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर मेरे कहने से आप वहाँ घूमने जाते हैं तो आप भी मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये जो आपको अंदर दिख रहा है ना, लग रहा है भानगढ़ में आ गए। हाँ बिल्कुल, भानगढ़ वाले पत्थर, भानगढ़ में भी ऐसी पत्थर यूज किए गए हैं। जो अभी तो रेड कलर की बिल्डिंग नजर आएगी, तो मैं दिखता रही यही पत्थर यूज किया गया, और ये होता है बहुत मजबूत। महाराजा पहले के ज़माने की इसी को यूज़ करते थे। अब देखो यहाँ पे पूरा खंडर हो चुका है सामने। अब खंडर होने के बाद भी देखो ये टिका हुआ है, लेकिन इतने में अगर आज के घर में इतना अगर इस कंडीशन में हो, कितने साल पुरानी होगी ये बिल्डिंग? 1100 1200 ईस्वी में बना हुआ है, तो तब से दिख रहा है। तो कितने हजार साल पुरानी हो गई है। हम लकी हैं कि अभी भी हमारे लिए इतना कुछ देखने के लिए बचा हुआ है, नहीं तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में वक्त इनको भी गायब कर देगा, और फिर हम पुरानी वीडियोस देखकर सोचेंगे कि हाँ पहले इतना था, हमारे टाइम पे तो इतना था। पहली बार मुझे आया था मेरी कंपनी यहीं पर साकेत में, तो वहाँ से हम ये देखने आए थे, तो हम पे चढ़ गए थे हम पे ना हम पे चढ़ गए थे पहाड़ी थे इधर ना, देखते हैं ऊपर से क्या लगता था, उधर से किसी ने। हमने यहाँ पे अपनी लाइफ के कुछ बहुत ही सुकून भरे मोमेंट्स स्पेंड किए और उनको कैमरे में कैप्चर करने का भी पूरा प्रयास किया। बीता हुआ वक्त वैसे भी वापस नहीं आता, तो क्यों ना उसको और ज़्यादा खूबसूरत बना के संजो लिया जाए, हमारा तो यही मानना है। और इसीलिए ये मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और फोटोज़ कैप्चर करते हैं।
ना कुछ चाहूँ मैं, तू ही तू सब कुछ मेरा, और ना कुछ चाहूँ मैं। दिल की सदा सुन ले जरा बेखबर, सजदे दिल तुझ करता है सलामियाँ। अर्जियाँ अर्जियाँ सुन ले दिल की अर्जियाँ, अर्जियाँ अर्जियाँ सुन ले दिल की अर्जियाँ, अर्जियाँ अर्जियाँ सुन ले दिल की अर्जियाँ, अर्जियाँ अर्जियाँ सुन ले दिल की अर्जियाँ। और ये देखिए, इस गार्डन की बात कर रही थी मैं, है ना बहुत खूबसूरत। यहाँ पे तो बच्चों को खेलने में भी बहुत मज़ा आएगा। आपको वीडियो में इतना नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जब आप वहाँ पे होंगे ना, तब आप बोलोगे कि हाँ ये बहुत खूबसूरत है। और विंटर्स में जाने का तो ये फ़ायदा है कि आप आराम से वहाँ पे धूप में लेट के धूप सेक सकते हो। तो ये है हमारा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे बाकी सब आए हैं रिलैक्स करने, इन्जॉय करने, ऐसे ही हम भी गए थे। और ऐसे ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप वहाँ पे अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स ज़रूर स्पेंड करें, क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। कोई आपसे नहीं कहेगा कि जी लो, आपको अपनी लाइफ खुद ही जीनी होगी। और लाइफ जीने का मतलब है खूबसूरत यादें बनाना। Was all about Qutub Minar. I hope you liked that. So see you soon in our next vlog. Tab tak ke liye bye bye. Namaste.